योगर्ट कबाब जो ये फ्यूजन वाला योगर्ट कबाब है इसे बनाना सीखने के लिए देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। योगर्ट कबाब विद फिग एंड जिंजर यानी दही का कबाब, वो भी अंजीर और अदरक के साथ। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम दही, एक छोटी चम्मच हरी मिर्च, एक बड़ी चम्मच अदरक, दो बड़ी चम्मच अंजीर, एक बड़ी चम्मच हरा धनिया, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 100 ग्राम पैनको क्रम, 200 मिलीलीटर तेल और नमक स्वाद के अनुसार। चलिए शेफ तो बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं हंकर्ड। सबसे पहले हमने हंकर्ड यानी टंगा हुआ दही लिया है, जिसमें से हमने जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर पानी था उसे निकाल लिया है। इसमें मिक्स करते हैं 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, रोस्टेड जीरा पाउडर जी, थोड़ा कटा हुआ धनिया, ओके, हरा धनिया इसमें डल रहा है, थोड़ी सी मिर्ची, हरी मिर्च और थोड़ा सा इलायची पाउडर। अच्छा, इन सब चीजों को हमने मिक्स कर लिया। इसके बाद अब इसको हम रोल करेंगे। इसके अंदर फिग स्टफ करेंगे और जिंजर, और इसको पंकोक्रम में लगा के रोल करेंगे। के दही के अंदर अंजीर और थोड़ा सा अदरक जो है वो डाला जा रहा है। और ये अंजीर जो हमने इस्तेमाल करी है शेफ, ये ड्राई है, जो ड्राई अंजीर है, मिलती इसको है, हम उबालते हैं। ऐसे आप उबालना ना चाहें तो आप इसको भिगो के भी रख सकते हैं। एक दो घंटे आप भिगोएंगे, उसके बाद उसको आप बारीक चॉप कर सकते हैं और ये काफी सॉफ्ट हो जाती है। इसको पंकोक्रम में डाल के इसकी कोटिंग करते हैं। पंकोक्रम जो आप ये बता रहे हैं ये कहाँ से मिलता है? ये जापानीज क्रम है, इजली अवेलेबल इन द मार्केट। जापानीज क्रम है जिसको शेफ ने कबाब के ऊपर लगाया है ताकि कबाब जो है वो टूट ना जाए। बट अगर ये नहीं मिलता है बाय एनी चांस किसी को, तो हम नॉर्मल ब्रेड क्रम भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो नॉर्मल ब्रेड क्रम से भी आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं। चलिए, अब ये कबाब जो है वो तैयार हो गए हैं, बारी है इनको तलने की। इसमें तेल जो है वो बढ़िया गर्म होना चाहिए क्योंकि अंदर जो योगर्ट है उसको तो हमें पकाने की जरूरत है नहीं। तो अगर हम इसे सिम पे पकाएंगे तो सिर्फ तेल जो है वो ज्यादा अंदर भर जाएगा, जबकि हमें सिर्फ ऊपर से जो कलर है वो गोल्डन चाहिए और थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए कोटिंग। काफी बढ़िया रंग आ रहा है इसमें, बहुत ही जल्दी इसमें रंग आ गया है। एंड इसको हमने अंदर से नहीं पकाना है तो सिर्फ बाहर से गोल्डन कलर आ जाए एंड इट्स डन। अच्छा, इसको हम डीप फ्राई ना करना चाहें तो इसको पैटीज की शेप देके हम भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें पंकोक्रम है उसको फ्राई करना जरूरी होता है। अच्छा, चलिए तो ये अब तल चुके हैं, अब बारी है इसकी प्लेटिंग की। और इसे बनाना तलना जो भी आप करें इसे प्लीज हल्के हाथ से कीजिएगा क्योंकि योगर्ट है, वेरी वेरी सॉफ्ट। सो दिस इज रेडी। यस, ग्रेट, लुक्स नाइस, काफी बढ़िया रंग आ रहा है एंड मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। कैन आई ट्राई दिस शेफ? यस। वेरी नाइस, अंदर से एकदम सॉफ्ट है ऑब्वियसली इट्स योगर्ट, एंड बाहर से जो आपने पैन को क्रम लगाया है उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिस्प है, आई मीन अनलाइक द ब्रेड क्रम्स। तो बहुत बढ़िया डिश है, बहुत आसानी से बन गई है। इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे हैं जो आपको आसानी से आपके घर में मिल जाएंगे, तो ट्राई कीजिए इसे और इसे आप चाय, नाश्ता या फिर ड्रिंक्स के साथ जब चाहें एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसका झटपट सा रीकैप अगर आपसे कोई भी स्टेप मिस हो गया हो, साथ में इसकी कैलोरीज पर भी नजर डाल लीजिए। योगर्ट कबाब बनाने के लिए दही को 5 घंटे कपड़े में बांध कर टांग दें। इस दही में हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा पाउडर, नमक और इलायची पाउडर डालें। अब इसमें अंजीर और अदरक स्टफ करें और इसके ऊपर पैनको क्रम लगा दें। इन कबाब को तल लें, हरी चटनी और सलाद के साथ सर्व करें।